बॉलीवुड के दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। वहीं दोनों ने कैरियर में खूब ऊंचाइयों को भी छुआ। हालांकि एक रिकॉर्ड आज भी ऐसा है जो सिर्फ राजेश खन्ना के नाम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। भले ही आज वो हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए काका आज भी लोगों के दिलों में रहते हैं। उन्होंने 18 जुलाई 2012 में 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने दर्शकों को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। काका ने जिस तरह का स्टारडम देखा, वो अमिताभ बच्चन भी अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। वहीं राजेश खन्ना के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जिसे आज तक खुद अमिताभ बच्चन भी नहीं तोड़ पाए हैं। दरअसल राजेश खन्ना ने साल 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को अमिताभ बच्चन भी तोड़ नहीं पाए हैं। काका ने साल 1966 में अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी लगभग 74 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली और 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। राजेश खन्ना को 3 बार बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें साल 2005 में फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें ये अवार्ड अमिताभ बच्चन ने ही दिया था। जब राजेश खन्ना का निधन हुआ था, तब पूरी मुंबई उनकी शव यात्रा में पहुंची थी। भले ही काका के बाद की फिल्मों ने कुछ खास कमाल ना दिखाया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कमी नहीं आई थी। उनकी दमदार अदाकारी और अंदाज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।